हिसाब से इन लाइन करें, तो वो हम कर रहे हैं। क्राइम की वारदातें होती हैं, फिर पुलिस ट्रेस करती है। हमारी तो ये ऑन गोइंग और जो है वो हर वक्त की जानते हैं। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ यहाँ पे जिसने एक बड़ा स्केयर क्रिएट किया इस्लामाबाद के अंदर। एक 11-12 साल की बच्ची की डेड बॉडी मिली मेट्रो स्टेशन के वॉशरूम से, और जिसको कत्ल किया गया था उसका एक डेफिनेटली आपको पता है हम सब के बच्चे हैं, हमें तो तमाम बच्चों में अपने बच्चे नज़र आते हैं। तो इस केस को ऐसे ही हमने देखना शुरू किया, जैसे जाहिर है जैसे मैंने पहले बात कर दी कि सब बच्चों में हमें अपने बच्चे नज़र आते हैं। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, हमारी टीम ने इंटरोगेशन स्टार्ट की। पहला तो इशू था कि बच्ची की आइडेंटिफिकेशन कराई जाए कि बच्ची कौन है, और उस पे काफ़ी एफर्ट्स हुई। जो जो पुलिस के तरीक़ाकार हैं उसके मुताबिक उस पे एफर्ट की गई, और ये 8 तारीख का वाक़िया है, और 8 नवंबर का और 15 नवंबर को बच्ची की आइडेंटिफिकेशन हुई। जब तो इनिशियली पुलिस को ये शक था कि शायद ये मर्डर उसके बाप ने ही किया है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन चलती रही। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें फाइनल क्लूज मिल गए हैं, गो के इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑन गोइंग है। लेकिन आप सब दोस्तों के बहुत सवाल होता था इसमें, और आप सब बारी बारी पूछ भी रहे थे, तो वो इन्वेस्टिगेशन हमने किसी हद तक उसको कुछ कंक्लूजन उसमें ड्रॉ किए हैं। और मैं एस एस पी इन्वेस्टिगेशन को रिक्वेस्ट करूँगा कि फर्दर आपको इसमें कुछ अपडेट। जिस तरह डीजी साहब ने बताया तो इस पर बड़ी एफर्ट हुई, और ख़ासकर आइडेंटिफिकेशन के हवाले से जो हमें सबसे ज़्यादा हमें हेल्प मिली वो सोशल